हेलो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ मेरठ की मशहूर नान खटाई। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बेसन 1 कप, आधा कप मैदा, 1 कप देसी घी और शुगर। शुगर को हमें मिक्सी में पीसना है। सब चीज़ मिलाने के बाद हमारा डो इस तरीके का तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं, ना ज़्यादा स्मूथ है ना ज़्यादा हार्ड है। इसमें हमने पिसी हुई शुगर, देसी घी और मैदा और बेसन मिलाया है। एक बार और बता दूं, बेसन मैंने 1 कप मिलाया है, 1/2 कप मैंने मैदा मिलाई है। इसकी हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से हमने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं और इसमें हम डिजाइन बना देंगे इस तरीके से। चाहे तो आप इस पे सजाने के लिए पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, पर मुझको पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको प्लेन बना रही हूँ। इसको हमने देख सकते हैं 180 डिग्री पर प्री हीट पर रख दिया है। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो हम अपनी नान खटाई इसमें रखेंगे। देख सकते हैं हमारा प्री हीट हो चुका है, अब इस पे हम अपनी नान खटाई रखेंगे। इसको हम 20 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे रखेंगे। ये हमारी बाटी बन गई। देख सकते हैं हमारी नान खटाई का कितना सुंदर कलर आया है। खोल के देख सकते हैं, वाह, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ब्राउन कलर आया है हमारी नान खटाई की। चाहे तो आप इसको गरम खाएं या ठंडा खाएं। देखा कितना आसान है नान खटाई बनाना। तो बनाइए झटपट और मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।